तो गाइस ये देखो अभी भैया घर पे आ चुके हैं। बहुत ही प्यारा भैया घर बनाया है। तो अभी भैया का थोड़ा घर देखते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है रियलिटी में। जो वीडियो में देखे ना, सामने आके देख रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वीडियो में वैसे समझ में नहीं आता, लेकिन रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये मेरा भैया का बेडरूम गाइस, वीडियो में देखिए। ये आपके वीडियो में भी हमने देखे शायद, हमने दिखाया। अरे भाई एक्सक्लूसिव चीज़ दिख रहा है। तो गाइस बहुत ही ज्यादा मस्त बनने वाला है, ठीक है। और ये जो बनने वाला है वो आप लोग बनने के बाद पता चलने वाला है, ठीक है भैया। दिखाएंगे सबसे ज्यादा मेहनत इसी में की है, बहुत दिमाग लगाया पड़ा ऐसे 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 मतलब। सो गाइस ऐसा दूसरे साइड में बनने वाला है, ठीक है। इस वॉल पे, इस वॉल पे तो गाइस ये देखो कौन है, मनोज भैया। हेलो गाइस, तभी ऋषभ आया था थोड़ा काम से धनबाद, बोकारो में इससे मिले थे हम फर्स्ट टाइम, और अभी इसीलिए फाइनली मेरे घर पे आ गया ना। हाँ बगल में ही काम था वैसे तो, ज़्यादा दूर नहीं था वो, तो सामने में ही था। हाँ 10 मिनट लगता है यहाँ से। तो भैया कॉल किए, भैया बोले आओ मिल लेते हैं। तो गाइस ये देखो अभी भैया घर पे आ चुके हैं, बहुत ही प्यारा भैया घर बना है। तो भैया अभी होम टूर देने वाले। अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखो पूरा एकदम सब कुछ चमक रहा है, ठीक है। तो अभी भैया का थोड़ा घर देखते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है रियलिटी में। जो वीडियो में देखे ना, सामने आके देख रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वीडियो में वैसे समझ में नहीं आता, लेकिन रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़ा बहुत अभी इसमें मॉडिफिकेशन बाकी है, मतलब हर एक छोटा छोटा चीज़ में ना डिटेलिंग एकदम किया हुआ है, ठीक है। छोटा छोटा चीज़ में भैया एकदम ध्यान दिए हैं, पूरा मन लगा के घर में डिटेलिंग किया हुआ है। मतलब ये रील बनाते बनाते ना पूरा एकदम ये आ गया टोन ना। इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम लोग थोड़ा घर को देखते हैं भैया का, ठीक है। ऊपर चला गया ये वाला सोफा, यहाँ के लिए बनवाया है, लेकिन देखो लगेगा कि नया सोफा है कि बच्चा लोग का करामत कर दिया है, 2 महीना नहीं हुआ। अच्छा पूरा गंदा हो गया। चलो ऊपर ले। अच्छा तो गाइस ये देखो, आप लोग तो वीडियो में देखे ही होंगे, ये किचन है। और ये देखो कितना प्यारा है, देखो लाइट का तो कोई कमी ही नहीं है। अच्छा ये वॉशरूम है। अच्छा उधर भी वॉशरूम है, एक रूम के अंदर में। अच्छा ये देखो गाइस, भैया के ब्लॉग में तो देखते ही होंगे, काम चल ही रहा है। हाँ आज हमारे ब्लॉग में देख लो, ऋषभ डे ब्लॉग में जूता पहन लो भाई। भैया का गैरेज, चलो ये वाला जो डिजाइन है ना, ये मतलब थोड़ा मतलब बाहर का लगता है, ठीक है। विदेश वाला डिजाइन लग रहा है क्या? इसमें रेलिंग वेलिंग लगेगा ना। हाँ और एक इसमें भी झूमर है, झूमर लगेगा। अच्छा यहाँ तक आएगा, झूमर ऊपर लगेगा, सेंड। हाँ सैंडलिया टाइप में। क्या ये मेरा भैया का बेडरूम गाइस, कंप्लीटली अलग। अरे भाई मस्त लग रहा है। ये वाला फॉल सीलिंग डिजाइन एकदम हैवी है। डाइनिंग भी रेडी ही है। अच्छा ये नीचे वाला डाइनिंग टेबल ना। बाप रे बड़ा ही यूनिक तरीके से बोल रहा है। अरे भाई थोड़ा बहुत ही काम इसमें, खाली फिनिशिंग का ही बाकी है, जो यहाँ पे हिडन चीज है ना, समझ में नहीं क्या हो सकता है। बाथरूम हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। बाथरूम, अरे बाप, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ये अच्छा। सो गाइस ये देखो चेंजिंग रूम, ड्रेसिंग रूम जो भी है। हाँ जो भी बनवाई है इसको रील बना दीजिए। अच्छा ये हिट है ना भैया, ये दिखता नहीं, खतरनाक है। मैंने वीडियो में देखी है। ये आपके वीडियो में भी हमने देखे शायद, हमने दिखाया। अरे भाई एक्सक्लूसिव चीज दिख रहा है। बंद कर, समझ ही नहीं आएगा। हाँ बंद कर दो, बंद कर दो, अरे निकल जाओ। सो गाइस ये देखो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे गेट वेट कुछ है, लेकिन अगर आप ये खोलोगे ना, ठीक है, तब समझ में आएगा कि इसके अंदर में ऐसा ड्रेसिंग रूम टाइप में, ठीक है। यहाँ पे ज्योति दीदी का रूम है ये। अच्छा स्टूडियो, बाप रे ये भैया का स्टूडियो खतरनाक लग रहा है। स्टूडियो तो बहुत बड़ा है,
ये बनने के बाद लगेगा, इसमें बहुत कम बाकी। अभी से ही मतलब लग रहा है यहाँ कुछ तूफानी होने वाला है। हाँ अच्छा, एडिटिंग रूम भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये है एडिटिंग रूम, पर जला दीजिए सब लाइट सब पहले। सिस्टम लेगा ना यहाँ पे, ये देखो भी करवा ले। तो गाइस ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है, पॉडकास्ट स्टूडियो इस साइड में, ठीक है, यहाँ पे। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मस्त बनने वाला है, ठीक है, और ये जो बनने वाला है वो आप लोग बनने के बाद पता चलने वाला है, ठीक है भैया दिखाइए। सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में की है, बहुत दिमाग लगाना पड़ा ऐसे 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 मतलब। बात सही है, सबसे ज़्यादा यही वाला रूम दिखने वाला यूट्यूब पे, स्टूडियो वाला। हाँ इधर वाला वॉल पे वो मेरा डिस्प्ले लग जाएगा बनाने का, काउंटर वाला। सो जैसा दूसरे साइड में बनने वाला है, ठीक है, इस वॉल पे, इस वॉल पे। हाँ हर वॉल पे अलग अलग डिज़ाइन रहेगा, अलग अलग टाइप का रहेगा। इस भैया का YouTube का प्ले बटन सबको जिसको भी मिले, मेरे पास घर पे है वो टैग वाला, दो सिल्वर गोल्डन वो कार में था, पता नहीं इधर आया, पता नहीं कहां। प्ले बटन खो दे रहे, बताइए है मतलब मिल जाएगा, ठीक है, इधर उधर शिफ्टिंग में ना थोड़ा इधर उधर आएंगे। अच्छा तो चलो गाइस अब चलते हैं बाहर, ठीक है, आप लोगों को बहुत कुछ दिखा दिए। अब नहीं सब्सक्राइब किए ना तो हम क्या बोले आप लोग, ठीक है, हम बोलना ही छोड़ देंगे, हम बोलना ही छोड़ देंगे। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। सो गाइस अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग जरूर से लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो वो भी कर लो, और मिलते हैं ऐसे किसी मस्त वाले ब्लॉग के साथ।